आप रोडों को देख लीजिए, 10 साल पहले क्या रोड थी यहाँ पे, आज कैसी रोड है। फीता कोई भी काटे मुझे ना बुलाया जाए, मेरे को फीता काटने के लिए काम नहीं। सब काम थोड़ा सा करा दे कम से कम, मैं तो कहता हूँ 10% भी काम में लग जाए तो उसे लेने में मेरे को कोई दुख नहीं। तो आपने दव है बहुत गंभीर है, क्योंकि वहाँ पे उन लोग के पास कुछ है ही नहीं। उन लोग को नए तरीकों से सोचने की जरूरत है कि किस तरह अगर कोई महिला है जो कि बीमार पड़ रही है तो उसको वहाँ पे दवा किस तरह से पहुँचाई जा सकती जल्दी। मेरे साथ आज फिर एक बार साकेत मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो लोकसभा 58 के प्रत्याशी हैं। श्रावस्ती से इन्होंने दम भर रखा है और इनकी रफ्तार को धीमी करने के लिए साइकिल पर सवार होकर राम शिरोमणि वर्मा फिर से चुनावी मैदान में हैं। 25 तारीख को यहां पर वोट पड़ना है, 6वें चरण में वोटिंग की जाएगी। 19,72,000 मतदाता इन दो प्रत्याशियों का फिलहाल, इन दो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, साकेत मिश्रा से ये जानने की कोशिश करूंगा कि उनके दिमाग में क्या है, क्योंकि यहां पर भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी जैसी तमाम प्रमुख समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग लगातार क्षेत्र में हैं और यहां पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही है और 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी लगातार प्रदेश और देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम का कितना असर बलरामपुर में हुआ है उसकी जमीनी हकीकत आप हमारे लगातार पेज और हमारे चैनल पर देख रहे हैं। हम साकेत मिश्रा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो अगर जीतते हैं तो उनकी पार्टी की योजनाएं क्या हैं और उनके पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है जिससे वो चुनाव में इस बार बाजी मार पाएंगे, क्योंकि 5,000 कुछ वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दद्दन मिश्रा 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। सर स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल यही कि आपके ऊपर तो बड़ा दारोमदार है, क्योंकि ये हारी हुई सीट है, इसको फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है और फिर ऊपर से आपके पास दो जिले हैं, दोनों बेहद पिछड़े हुए हैं, कैसे सब मैनेज होगा सर? तो मैं पहले पिछड़े जिलों की बात कर लेता हूँ। जी सर। पिछड़े जिले में काम करना एक माने से तो अवसर होता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे काम भी होते हैं, उससे हजारों लोगों की जिंदगी में सुधार आ जाता है। वही काम मैं अगर दिल्ली में करूँ तो कोई देखेगा नहीं दूसरी बार मेरे ऊपर, तो इसलिए वो तो अवसर है और यहाँ करने को बहुत है। और सुधार, लगातार सुधार की बुनियाद तो लग चुकी है। आप रोडों को देख लीजिए, 10 साल पहले क्या रोड थी यहाँ पे, आज कैसी रोडें हैं। श्रावस्ती में भी यही हाल, श्रावस्ती की रोडें खैर बेहतर हैं, मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना है कि औसत रोड वहाँ पे बेहतर है। तो जो सुधार हो रहा है वो तो लगातार हो रहा है। मेरे हिसाब से शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकताएँ हैं जहाँ पे असली सुधार की ज़रूरत है, और बाकी सब काम करना है। जहाँ तक राजनीतिक सवाल था कि किस तरह से सीट जिताई जाएगी, और 2019 में हम हारे थे, तो मैं कहता हूँ कोई भी जनता के साथ जब मुलाकात होती है, हार हो या जीत हो, क्योंकि किसी को भी 100% वोट तो मिलता नहीं है, तो जो लोग वोट नहीं करते हैं उनसे हम लोग को सीख ज्यादा मिलती कि क्या क्या चीजें हम लोग को करनी चाहिए। तो उससे हम लोग को कई चीजें पता चली हैं कि हम जनता तीव्रता चाहती है विकास में, और जनता चाहती है यहाँ पे उद्योग का लाना, तो जो कि अच्छी चीजें हैं। जनता में आकांक्षा बढ़े तो वो अच्छी बात है। हम लोग के हाथ में है काम करना। जनता जनार्दन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता को सच्ची में सब पता रहता है। जब रोष भी रहता है जनता का तो सोच के रोष देते हैं, कभी कभी उस रोष की वजह से जनता का नुकसान होता है। अगर कोई अदृश्य टाइप का सांसद आ जाता है तो काम नहीं होता है, ये विधि का विधान है। पर उससे भी हम लोगों को सबक सीखने की जरूरत है, क्योंकि जनता अपनी प्राथमिकता दिखाती है। तो हम लोग के हाथ में काम है, बाकी मैंने जो है दो बार राम शिरोमणि वर्मा का इंटरव्यू किया, वो यहाँ से अभी निवर्तमान सांसद हैं, जब तक इलेक्ट नहीं हो जाता है कोई तब तक के लिए। तो उन्होंने कहा हमने काम तो खूब किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने केवल उसका फीता काट दिया और हमें बुलाया तक नहीं। हमने जब मंत्रालय में जाकर शिकायत की तब जो है ये चीजें होनी शुरू हुई कि हमें फीता काटने का मौका मिला। तो इस बारे में क्या आप कहेंगे? वो अपने काम गिनाते हुए कहते हैं कि हमने सड़कें बनवाई, रेलवे की तमाम सुविधाएं की और तमाम काम वो गिनाते हैं, मुझे तो इतना याद भी नहीं, विश्वविद्यालय तमाम चीजें उस तरह से। एक टॉपिक पे तो मैं थोड़ा सा अपना रोष जरूर जाहिर करूंगा जी, वो है विश्वविद्यालय जी, क्योंकि उसके लिए मुझे पता है कि मुझे डांट भी पड़ी है जी, बार बार मांगने के लिए, और आसान नहीं था बिल्कुल। वैसे ही अंडरपास था,
कोई कहीं नहीं गया था, फीता कोई भी काटे मुझे ना बुलाया जाए, मेरे को फीता काटने के लिए काम नहीं होता है, क्योंकि काम हो जाता है जनता को पता रहता है फीता कौनों काटे। तो इसलिए मैं और उनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उचित नहीं है। जनता को पता है कि किसने क्या काम किया है, इसलिए मेरे को शर्म नहीं आती है दिखाने में कि मैं एक साल से MLC हूं, उससे पहले एक रुपया भी मैंने सरकार का नहीं लिया था। जब मैं पूर्वांचल विकास बोर्ड में था, मैं तनख्वाह भी नहीं लेता था। जो काम हुए हैं वो हुए हैं। अगर आपके हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन लगी है, आपके निजी पैसे से लगी है, ये मतलब निजी हो या कहीं से, कुछ मैंने डाला, कुछ मेरे मित्रों ने डाला, इन सब चीजों में ये सब श्रेय तो बाद में होता है, पहले ये देखना होता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फीता वीता तो ये सब कटता रहता है, फीता तो एक दिन कटता है, कोई याद नहीं रखता है, पर जनता याद तब रखती है जब अगली बार बाढ़ आएगी और आदमियों को चलने को अंडरपास में मौका मिल जाएगा जहां पे वो कट जाते थे। आप श्रावस्ती में कुछ पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे थे, आपके मुंह से निकल गया या आपने कह दिया कि राम शिरोमणि वर्मा ने ही स्वतंत्रता कराई होगी, उस पर बड़ी चुटकी ली सपा वालों ने, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, आप श्रेय लेने के लिए तो कोई कुछ भी ले सकता है श्रेय। तो आप जैसे विश्वविद्यालय था जी, उसी पे विश्वविद्यालय पे ही मैंने अपना टिप्पणी दी थी, क्योंकि मैं उस दिन थोड़ा अचंभित था जी। कि एक होता है कि राजनीतिक में आप श्रेय लेने की आदत डाल दें, एक होता है सरासर झूठ बोलना। कोई कारण है कि जनता किसी विचार पे इस समय सोच रही है किसी के बारे में? विश्वविद्यालय में मैं जानता हूँ, आप लोग में ही एक सीनियर हैं, उन्होंने भी मेहनत की थी बिल्कुल, और मैं हर जगह श्रेय देता हूँ। कोई एक आदमी कभी कोई कुछ नहीं लाता है। आपके DM साहब ने बड़ी मेहनत की थी, और अंत में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सोच समझ करके जब सोचा कि यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि बहराइच से अगर कोई विद्यार्थी आ रहा है तो उसके लिए 80-90 किलोमीटर होता है, ये सब सोच करके किया गया। सवाल ये है कि उस पूरी गतिविधि में, एक दिन में तो कुछ हुआ नहीं था, उस पूरी गतिविधि में कोई दिखा क्यों नहीं? तो श्रेय तो कोई कहीं पे भी ले सकता है किसी चीज का। तो मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरह से ये श्रेय लेने की जो आदत है वो गलत है। मतलब काम थोड़ा सा करा ले, कम से कम मैं तो कहता हूँ 10% भी काम में लग जाए तो श्रेय ले ले, मैं, मेरे को कोई दुख नहीं होता। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि मैं खुद घूम रहा हूँ, आप खुद घूम रहे हैं, और आपको सड़कों की हालत पता है। अपना जो बॉर्डर है वो 83.5 किलोमीटर जो है लंबा चौड़ा बॉर्डर है, नेपाल से शेयर करता है। जो बॉर्डर एरिया के वनटांगिया ग्राम है, या जो वनटांगिया थे राजस्व हो गए चकबंदी के बाद, वो ग्राम है, वहां पर आज भी जो है सड़क, बिजली, पानी जैसी नितांत आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं कहूंगा कि 10 साल से केंद्र में है, 7 साल से प्रदेश में है, उन गांवों की सुध क्यों नहीं ली गई? क्योंकि प्राथमिकता करनी होती है। हमारा देश अपार धन का देश नहीं है। सबसे पहले देखना होता है, अगर कहीं पे 1000 लोग के लिए जो काम करना है और 10 लोग के लिए काम करना है, तो वो प्राथमिकता देखनी होती है। दूसरा ये भी देखा जाता है कि कहाँ पे जैसे सड़क बननी हो, जंगल क्षेत्र में बनती है, बॉर्डर क्षेत्र में बननी है, तो उस पर जो प्रोजेक्ट बनता है उस पर सोचना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था क्या है वहाँ पे, सांप्रदायिक समीकरण क्या है, तस्करी हो रही है कि नहीं हो रही है, जंगल इलाका है, पेड़ कितने कटेंगे, तो ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी चेक करना होता है क्योंकि उस पर भी रूल है। तो इन सब चीज़ों को देख करके, जो आपने मुद्दा उठाया बहुत गंभीर है, क्योंकि वहां पे उन लोग के पास कुछ है ही नहीं इस समय जी, बिल्कुल, परंतु ये सोच करके करना पड़ता है कि किस तरह से काम हो। तो इसलिए वहां पे थोड़ा सा धीरे है। देखिए, बंबई में कोई गड्ढा भी बनता है तो तुरंत ठीक हो जाता है, क्योंकि उस सड़क पे 1,00,000 लोग को चलना होता है। वैसे यहाँ पे आपका झारखंडी पे ओवरब्रिज बनना बहुत जरूरी है, और जगह से ज्यादा जरूरी, क्योंकि वहां पे पता नहीं कितने लाख लोग रोज चलते हैं। तो उसकी वजह से विकास, और जो जो चाहे वो सड़क बन रही हो, या पानी आए, या बिजली आए, जैसे बिजली भी कई इलाकों में नहीं पहुंचा है अभी, तो वो कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से प्राथमिकता करनी पड़ती है। हम लोग डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पढ़ते थे तो उसमें गांधीयन अप्रोच पढ़ाया जाता था। अरे, गांधी जी का कहना था कि जो है तमाम जो चीजें हैं वो जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। मैं कल इंटरव्यू कर रहा था उस इलाके में, बरहवा का इलाका है, वहां पे भीषण आग लगी और एक महिला हताहत हुई, मर गई, फिर करोड़ों का नुकसान हुआ। वो सारे गरीब लोग हैं। मेरी आंख से जब मैं PTC कर रहा था तो आंसू आ गए, मेरी आंख से आंसू आ गए। आप समझिए कितना दुख होगा।
वहां पे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो अस्पताल तक पहुंचना चाहे तो उसे 3 घंटे लग जाते हैं। नहीं, सही बात है, मतलब आपकी आंख में आंसू आ रहा है, वो हुआ तेंदुआ ग्राम हुआ, इन सब जगहों पे अब वो हालात ऐसे हो गए। जैसे तेंदुआ ग्राम ले लीजिए, तेंदुआ नगर जी, वहाँ पे शायद आबादी है 1100 कुछ की, ठीक है, 3 वहाँ पे कस्बे हैं, 3 भदवार मजरे हैं, भदवार और, तो होता ये वहाँ पे क्योंकि कुछ कुछ है सिंचाई विभाग का रास्ता बंदे के बगल वाला, कुछ है जंगल के थ्रू, कहीं पे खड़ंजा है। आज से नहीं, जब माननीय श्रुति शर्मा जी थी तब से मैंने काम इस पे शुरू किया। मैंने कहा कि आप और ना करिए, कम से कम जो 500 मीटर बंधे पे ऊपर है उसके लिए मैं पैसा देने को तैयार हूँ, सीधे बन जाएगा। काम करना है, मतलब आंसू तो छोड़िए, वहां पे दिल मतलब हिल जाता है आदमी जब देखता है कि क्या अभाव है। पर सड़क के साथ साथ वहां पे भी हम लोग को नए तरीकों से सोचने की जरूरत है कि किस तरह अगर कोई महिला है जो कि बीमार पड़ रही है तो उसको वहां पे दवा किस तरह से पहुंचाई जा सकती है जल्दी। अगर गर्भवती महिला है तो उसका किस तरह से वहां पे, जैसे आजकल आपके फोन पे सब आधे टेस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूरत यह है कि हम लोग हर चीज एक दिन में नहीं बदल सकते हैं, पर कम से कम जब तक बदली जा रही है चीज तब तक किस तरह से हम लोग नए तरीके से जीवन में सुधार ला सकते हैं, उस पर सोचना पड़ेगा। अब आपने अभी बताया कितने लाख लोग यहाँ पे हैं इस क्षेत्र में, 173 की हमारी या 174 किलोमीटर की लंबाई है पूरे क्षेत्र की, तो और अगर मैं कह दूं कि सब जगह मैं कर दूंगा काम तो उतना है नहीं। कभी 3300 वर्ग किलोमीटर का यह जिला है, और ये जिला श्रावस्ती जिला, वो भी मैं बता रहा हूँ सर, 3300 किलोमीटर का बलरामपुर, 3300 वर्ग किलोमीटर का बलरामपुर जिला है, और लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर का श्रावस्ती जिला है, 5000 वर्ग किलोमीटर इलाहाबाद जैसे इलाके को अगर हम देखें तो इसका 2 गुना है, लखीमपुर खीरी को देखें तो इसका 2 गुना है। तो वहां पे विकास पहुंच सकता है, यहाँ पे क्या जनता से नेताओं का लेखा कम्युनिकेशन हुआ, या जो लोग जीते उन्होंने इसे चारागाह समझ लिया और वो चले गए यहाँ से जीत के? देखिए प्रयागराज वगैरह तो देखिए अर्बन इलाके हैं, तो उनसे कंपेयर करना ही गलत होगा, क्योंकि अर्बन इलाके में सारी आपकी जो जनता होती है वो एक जगह होती है, तो उनको सुविधाएं देना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कोरिया में ब्रॉडबैंड क्यों है सबसे ज्यादा स्पीड का, क्योंकि वहाँ पे सब लोग हाई राइज में रहते हैं, एक बिल्डिंग में अगर 1000 लोग रहते हैं वहां पे आप ब्रॉडबैंड 1 मिनट में लगा दीजिए। भिनगा में अगर आपको ब्रॉडबैंड पहुंचाना है तो वहां पे पहुंचाने के लिए इतना तार लगाना पड़ता है कि सब कंपनी दिवालिया हो जाती पहुंचने में। तो थोड़ा सा तो परिस्थिति में फर्क है, पर देखिए सुधार हो रहा है और मैं आशावादी हूँ। हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि क्या हालात थे। मैंने वो दिन भी देखा है जब हम लोग घाघरा को स्टीमर पे क्रॉस करते थे, पॉन्टून पे क्रॉस करते थे, कभी ऐसा मौका नहीं हुआ जबकि बिना पंचर हुए गाड़ी रेत पे हम लोग क्रॉस कर पाए हैं, कभी भी नहीं। ठीक है, तो सुधार हुआ है, रोडें बन गई हैं, चिकित्सा व्यवस्थाएं हो रही हैं अच्छी, हमारी जनसंख्या भी काफी है, जनसंख्या में शिक्षा का अभाव है। तो कभी कभी होता है जैसे गर्भवती तो बाद की बात है, मैं कहता हूँ जैसे कैंसर है, लोग खांसते रहते हैं, अपना टेस्ट नहीं कराते हैं, तो इसलिए कई बार होता क्या है, शिक्षा के अभाव में जो जनता की जरूरतें पूरी भी हो सकती हैं वो भी इतनी लेट होती हैं पूरी कि मुश्किल पड़ जाती है। तो सुधार हो रहा है, मैं किसी भी हालत में नहीं कहूँगा कि यहाँ सुधार नहीं हुआ है, बहुत कस के सुधार हुआ है। अरे सुरक्षा है आपके आज की डेट में, आप भगवतीगंज में देख लीजिए, वहां पे 6 बजे लोग अपनी दुकान बंद कर देते थे, आज से 8 साल पहले महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, आज निकलते हैं। जनता बहुत आशावादी नजर से साकेत मिश्रा की तरफ देख रही है, साकेत मिश्रा से जनता चाहती है कि उनके परिवार ने जो काम इस पूरे देश के लिए किया वो इस क्षेत्र के लिए कर दें और बहुत बड़ी बात हो जाए। इन दोनों जिलों के लिए क्या विशेष प्लान है आपके पास, जिससे अगर आप सांसद बनते हैं, माननीय सांसद बन के सदन में जाते हैं, तो क्या वो प्रमुख मुद्दे होंगे 3-4-5 जिनको आप उठाकर इस क्षेत्र? बस 4 मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जन सुविधाएं की आसानी। जन सुविधाएं की आसानी मैं बाद में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो उसमें समन्वय बना करके सबसे काम करना होगा। पहले 3 तो केवल बैठ करके नियोजित तरीके से हम लोग को क्रियान्वयन करना है और अपने आप हो जाएगा काम। ये छोटी सी चीज़ है, आपको उदाहरण देता हूँ,
400 टीचर बलरामपुर से शायद ट्रांसफर होते पिछले साल, वापस आए थे 44 टीचर। जब पता चला तो रुकवाया गया ट्रांसफर, अंत में शायद केवल 200 गए, बाकी नहीं गए यहाँ से। तो छोटी छोटी चीजें, होता क्या है हम लोग कभी कभी इतने बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, पर जो विकास की यात्रा है वो एक एक ईंट से बनती है। वो एक एक ईंट धैर्य के साथ काम करना होगा, धैर्य के साथ, थोड़ा आग के साथ, दोनों। डरना नहीं होगा तो काम होगा। और चारों जी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि हो नहीं सकती है, पर कहीं ना कहीं हम लोग सबको, मतलब जितने लोग हैं आप यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, हम लोग सबको एक और चीज निश्चय करनी पड़ेगी कि हमारी प्राथमिकता क्या है। एक प्राथमिकता हो सकती है छोटी छोटी बातें करना, आपस में लड़ने रहना, थोड़ा बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े रहना। जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि कूड़ा अपना घर का साफ करिए, बगल के घर में मत डालिए। बिल्कुल। तो विकास ये है कि विकास में है कि दोनों घर मिल करके एक कूड़ेदान बनवा दें जिसमें सब लोग दोनों जन डालें और नियोजित तरीके से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उठा के ले जाए। हाँ, नहीं तो यही इसी चक्कर में हम लोग जिंदगी बिता देंगे कि एक दूसरे घर कूड़ा डालते रहेंगे। तो हम लोग को भी निश्चय करना है कि हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जब तक कोई नेता नहीं कर सकता है दुनिया में, जब तक जनता नहीं चाहती परिवर्तन। मोदी जी के सफलता का कारण यह है, या योगी जी की सफलता का कारण यह है कि जनता ने, जनाधार ने निश्चय कर लिया कि हम लोग को एक तरीके का विकास चाहिए, जो पहले चला आ रहा था वो नहीं है। मोदी जी के एक बयान से मैं बड़ा दुखी हुआ और तमाम मुस्लिम समाज के भी लोग दुखी हुए, मंगलसूत्र वाला बयान, उसको कैसे आप देखते हैं? मैंने देखा नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं, मैं इस बयान तो छोड़िए, मैं तो रात के 12 बजे तक जनता के बीच में रहता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत तजुर्बे से कह सकता हूँ, और अब 9 साल लंबा हो गया मेरा तजुर्बा समाज सेवा में, कि किसी भी, मोदी जी तो मेरे से बहुत बड़े हैं, वो मेरे से बात नहीं करते हैं, पर मैं कहता हूँ मेरे से कोई भी वरिष्ठ नेता हो, उसने हमेशा ये कहा है कि बिना वैर भाव के आप सेवा करिए। किसी ने मुझे, आज तक किसी ने मुझे नहीं कहा है कि आप किसी को अलग करके रखिए, बल्कि मेरे को शायद यहाँ भेजा इसलिए गया है ये दिखाने के लिए कि हम लोग सबका साथ सबका विकास का जमीन पे उतार कर क्रियान्वयन कर सकते हैं। फिर सर खाई बढ़ती जा रही है हिंदू मुस्लिमों के बीच में, सिख ईसाइयों के बीच में। मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, खाई नहीं बढ़ रही है। मैं अभी तो मैं गुरुद्वारे गया था उस दिन, अब कड़ा प्रसाद खाने, तो आपको पता ही है जी। तो खाई ऐसी नहीं बढ़ रही। देखिए खाई क्यों बढ़ेगी, आखिर सबको खाना क्या है, वही रोटी दाल, कुछ शाकाहारी है कुछ नॉन शाकाहारी नहीं है, वो उससे कोई खाई थोड़ी ना बढ़ती है। सबको रोजगार चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, तो इसमें खाई कहाँ है। अगर सड़क बनती है सड़क पे सब चलते हैं। तो हम लोग अगर, वो जो मैंने कहा था ना कि हम लोग को प्राथमिकता अपनी जनता को मिल करके प्राथमिकता करनी है। ये जो ठेकेदार राजनीतिक आ जाते हैं, जो कि हम लोग को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कोई पूछे ना कि सड़क क्यों नहीं बनी। आपने कहा कि उस जो जंगल का इलाका है वहां पे आपके आंख में आंसू आए, वो सवाल जरूरी है पूछना। पर गुमराह करने वाला आपको पता है क्या कहेगा, अरे वहां पे कोई किसी दूसरे जाति का आदमी था तो इसलिए वहां पे उन्होंने नेतागिरी कर ली, इसने नहीं पूछा। बिल्कुल। वो सवाल जिससे ना पूछे जाएं, इसलिए ये सब किया जाता है। हम लोग अब भारत माता को लेकर के विवाद जो हुआ था, कोई विवाद की बात है? अरे जिस जमीन ने हम लोग को जिंदा किया, जिसमें हम लोग पढ़े लिखे, जिसमें हम पले पोसे, उसका सम्मान करना कोई खराबी है? जयघोष नहीं कर सकते ये, इस बात से तो मैं भी आपके सहमत हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा, आप की बड़ी पहचान रही है, आप खुद किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अगर आपके परिवार को भी छोड़ दिया जाए तो आप क्या उस अंतर को पाट पाएंगे जो 5000 कुछ वोटों का अंतर था जिससे दद्दन मिश्रा हार गए थे, और वो अंतर अगर पटता है तो कितने वोटों से जीतने के लिए आप जो है खुद सोच रहे हैं, या आपका जो आकलन कह रहा है वो कितने वोटों से आप जीत की बाजी मारने वाले हैं? ये सवाल जनता से पूछना बेहतर होगा। मैं जानता हूँ मेरा विश्वास और विचारधारा क्या है, मैं जानता हूँ कितना मैं काम कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं बिना भेदभाव के काम कर सकता हूँ, और मैं जानता हूँ मैं ईमानदारी से काम कर सकता हूँ। बाकी जनता के ऊपर निर्णय दिया जाए वो सर्वोपरि है। तो आप आश्वस्त हैं? मैं जनता के दिल में मुझे प्रेम मिल जाए, उसका आश्वासन मुझे मिल जाए, मेरे लिए ज्यादा खुशी, सबसे बड़ी खुशी वही है। वो मिल जाएगा तो सब कुछ ठीक होगा।
तो साकेत मिश्रा जी अपने जनता के ऊपर आश्वस्त हैं कि जनता जब 25 मई की तारीख होगी तो खूब बढ़ चढ़ कर वोट करेगी, और जहां पर इस तरह की समस्याएं हैं, जहां पर सड़कों का अभाव है, यहां जहां जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव है, अगर ये सांसद बनते हैं तो वो इनकी प्रायोरिटी में होगा। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जो नतीजे आते हैं उसमें श्रावस्ती की हारी हुई ये सीट भारतीय जनता पार्टी के अपने खाते में दोबारा डाल पाती है या नहीं।